नमस्कार। ये जो आप सेल्फी देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की तो है, इनके साथ हैं करीमुल हक। अच्छा, ये सेल्फी जो है प्रधानमंत्री ने ही लिया है और उन्होंने ही पोस्ट किया है। ये दूसरा फोटो देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दरमियान जो प्लेन से उतरे प्रधानमंत्री, तो सीधा हफस के मिलने के लिए गए करीमुल हक जी से। अब भैया, ये करीमुल हक कौन है? अब तीसरी फोटो देख लीजिए, ये माननीय राष्ट्रपति जी से करीमुल हक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं। 2017 की ये तस्वीर है। तो ये करीमुल हक अब मामूली आदमी नहीं है, ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। तो क्या इसीलिए प्रधानमंत्री इनके साथ मिलते हैं, या फिर ये पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है इसीलिए प्रधानमंत्री इनके साथ सेल्फी ली है? एक्चुअली ये करीमुल हक बहुत ही साधारण आदमी हैं, आम आदमी हैं, लेकिन इनकी विशेषता जो है भीड़ से अलग है। सच में ये असाधारण आदमी हैं। करीमुल हक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से हैं, एक चाय बागान में आज भी काम करते हैं और पूरे एरिया में, पूरे पश्चिम बंगाल में, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में बाइक एम्बुलेंस दादा के रूप में जाने जाते हैं। अब करीमुल हक बाइक एम्बुलेंस दादा के बारे में कुछ बात करें, इससे पहले आपको दो छोटी बातें बता देते हैं। पहली ये कि आज तक करीब 4000 लोगों की सांसें बचा चुके हैं ये बाइक एम्बुलेंस दादा, और 5500 लोगों को अपने इस बाइक एम्बुलेंस से अस्पताल तक ले जा चुके हैं। ये बाइक एम्बुलेंस दादा बने कैसे, शुरुआत कैसे हुई, सुनिए। बाइक एम्बुलेंस दादा क्यों हुआ, थोड़ा मैं बोलूँगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, टी गार्डन में काम करता हूँ, अभी काम करता हूँ मैं तो। लेकिन मेरे माँ बीमारी हो चुका है, तो माँ का बीमारी हुआ, रात 11 बजे हार्ट अटैक हो गया। बहुत गांव में घुसा, बहुत आदमी का पास छुट्टा छुट्टी के दिया, इधर घुमा इधर घुमा, कोई जगह गाड़ी नहीं मिला, और रुपया भी नहीं था इतना, और गाड़ी था जिसका वो गाड़ी नहीं देता है, क्या करेगा। ऐसे भोर जैसे 3:30 हो चुका, माँ ध्यान चला गया, माँ नहीं था चला गया। आज 52 साल के हैं बाइक एम्बुलेंस दादा, 25 साल पहले 27 साल के रहे होंगे, नहीं बचा पाए अपनी मां को, रात भर भागते रहे इधर उधर, मां दर्द से बिलबिलाती रही। जिनके पास गाड़ी थी उन्होंने दी नहीं, और मां के पास थी नहीं। तो एक दिन चाय बागान में काम करते करते एक लेबर ने गिर गया, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया, या लेबर के कैसे हॉस्पिटल पहुंचाऊं। तो मैनेजर को मैं बोला, सर देखिए एक बंदा गिर गया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना ही है। तब हमको बोलता है कैसे ले जाएगा, साहब आपको मोटरसाइकिल हमको दीजिए, मैं कोई कोशिश से उसको लेके पाऊंगा। बोले हाँ हाँ ले जाओ। वो बंदा को मैं पीछे तरफ बैठा दिया, अपना गमछा से बांध लिया उसको, पीछे एक बंदा को बैठा दिया, तुरंत उसको पहुंचा दिया हॉस्पिटल। वो दिन से मेरा दिमाग खुल गया, जो आदमी को कैसे करके एक दो चक्का का एम्बुलेंस बनाऊं। वो दिन से मेरे दिमाग खुल गया, ये छोटे से एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का काम कर सकता है। तो मैं एक मोटरसाइकिल लोन पे लिया, लोन का लेने के बाद एक आगे पीछे में बोर्ड लगाया। अभी तक मैं 5500 से ज्यादा मरीजों को हॉस्पिटल लेके पूछा, मैं 5500। रोड भी खराब है गांव पे, कभी कभी नदी होता है, नाला होता है, छोटा छोटा रोड। बाइक एम्बुलेंस वहां पे बहुत काम आता है, कोई कोई गांव गांव में हंसने लगा, ये कैसे एम्बुलेंस हुआ भाई। फिर जो मरीजों को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाता हूँ, लोगों ने बोलता है बहुत अच्छा काम है ये। एक बात बताते हैं आपको, ये जब कोई फ़ोन करता है अपने करीमुल हक जी को, बाइक एम्बुलेंस दाता को, तो वो फ़ोन उठाते हैं और क्या जवाब देते हैं, उनके घर के जो बच्चे हैं दे आर यूज टू, उन्हें पता है कि अब ये क्या बोलेंगे। देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, किसे,
अच्छा ठीक है तो और क्या क्या करते हैं करीमुल हक जनाब, इन्हीं से सुनिए। मैं मेडिकल कैंप करता हूँ, मैं पुराना कपड़ा उपड़ा लेके गांव गांव में भी देता हूँ। मैं ये पूजो के टाइम में बहुत आदमी को कोई ड्रेस मांगा, नूतन ड्रेस पूजा में दूंगा, वो भी करता हूँ। मेरे डोनार स्कूल है, छठो कोचिंग डोनार स्कूल, ये भी मैं छोटे छोटे बच्चा को ए बी सी के बांग्ला आकार उकार अच्छा करके सीखे, जो भी स्कूल पढ़ाई कर ले कोई हमें दिक्कत नहीं, उसको ट्रेनिंग मिले, वो स्कूल छठो है। मैं सात लड़की को पढ़ाई करता हूँ, कोई पढ़ता है कॉलेज में, कोई बीएड में, कोई सिविल इंजीनियर में, मैं भी नहीं पढ़ता है। मैं एक पियोन का काम करता हूँ, आदमी दे रहा है वो पैसा मैं उस जगह में फैल रहा हूँ। मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, जो हॉस्पिटल हो रहे हैं बड़ा बड़ा डॉक्टर होता है, लेकिन मैं भी खुद एक डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं मैं, प्रैक्टिशन लिखने वाला डॉक्टर, फर्स्ट एड डॉक्टर। एक्सीडेंट हो जाता है, खून बहलाता है, सुआ कैसे देने होगा, सिलाई कैसे करने होगा, बैंडेज कैसे करने होगा मैं खुद जानता हूँ। किसी को ऑक्सीजन देने होगा, सलाइंस कैंको देने होगा वो मैं जानता हूँ। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट मैं खुद भी करता हूँ। क्यों करता हूँ? मेरे माँ जो ऐसे करके चला गया, ये मेरे दिमाग में अभी तक घूरने लगा जो किसी का माँ बहन को मैं बिना ट्रीटमेंट से मरने नहीं दूंगा, मैं कोई कोशिश से उसको भेजूंगा हॉस्पिटल में। आपको एक बात बता दूं कि जब कोई आप मानवीय काम करते हैं तो लोग साथ देने आ ही जाते हैं। बजाज कंपनी ने करीमुल हक को उनकी सेवा के लिए बाइक एम्बुलेंस दादा के रूप में खुद को साबित करने के लिए एक उपहार दिया, बहुत ही शानदार उपहार दिया। अब देखिए क्या कहते हैं करीमुल हक इसके बारे में, वो भी सुनिए। बजाज ने दिया है इनको एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस। ये तो मेरे अभी न सोचे माँ चलाया मेरे, बहुत गरीबों का जान बचेगी, बहुत इंसानों का जान बचेगी। हाँ जब तो मेरे जान है रहेगा, एक एक जिंदगी हम बचा दूंगा। बाइक एम्बुलेंस दादा अब हर जगह जाते हैं, प्रतिष्ठित हो गए हैं, चर्चित हो गए हैं, लोग इन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में बुलाने लग गए हैं, स्कूलों में जाते हैं, सेमिनारों में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं जो मानवीय बात होती है। इन्हें कोई गीता रामायण महाभारत पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुरान की आयत से इनको शिक्षा देने की जरूरत है नहीं है, ये जिंदगी की शिक्षा देते हैं, जिंदगी से जुड़े रहने की बात करते हैं, किसी भी पंथ धर्म मजहब से आगे इंसानियत को रखते हैं, ये इनका मैसेज है। सुनिए ये क्या कहते हैं, ये संस्कृत के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, सुनिए। विद्यं सर्वत्र गुच्छते, माता पिता सर्वत्र पूज्यते, नाम जगै सर्वत्र सत्तो, देव देवता सर्वशक्ति रूपे, नमस्त से नमस्त से नमस्त से, ओम शांति ओम शांति। ये जो विद्या है, आज विद्या है बोल के ये लोग घूल रहे हैं। और यहाँ भी बोला विद्यां सर्वत्र गुच्छते, माता पिता सर्वत्र पूज्यते, माँ बाबा को भी सेवा करने वाला। तो ये थे करीमुल हक, प्रधानमंत्री के करीबी अजीज, मानवता के सबसे बड़े पुजारी, बाइक एम्बुलेंस दादा। ऐसे लोगों की सच में जरूरत होती है समाज को, देश को, राष्ट्र निर्माण में इनकी जो भूमिका है वो कमाल की है, और इसके लिए इनको बहुत साधुवाद, इनको नमन, इनका आभार। इनकी जितनी तारीफ करें कम है। हमारा नंबर है लो 9832571833 करीमुल। आप सब
साथ रहिए, साथ चलिए, जितना कुछ हो सके अपने लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए आगे बढ़िए, मदद कीजिए। और अभी हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।